खुश रहो बिटिया। दिस इज JBN डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ वोमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेम, कोर्स बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड सेशन ऑफ टुडे इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर आल्सो यूजुअली कॉल्ड एज एवरेज। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग। दे गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यू इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने की प्रोसेस है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द फॉलोइंग आर द फाइव मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट आर कॉमनली यूज। दीज आर द फाइव पार्ट ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, दैट इज कॉल्ड मीन। नेक्स्ट वन मीडियन, नेक्स्ट थर्ड वन मोड, फोर्थ वन ज्योमेट्रिक मीन, एंड फिफ्थ वन हार्मोनिक मीन, और सिक्स वेटेड मीन। दीज आर सिक्स टाइप ऑफ मीन्स आर हियर। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, मीन, मीडियन, मोड। मीन मीन्स एवरेज। मीन लोकेट द सेंट्रल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन। मोस्ट कॉमन मेजर्स द मीन ऑफ सिंपली द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सेट। इन ऑर्डर टू फाइंडिंग द मीन ऑफ एनी डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एड ऑल डेटा एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, देन द कंसिक्वेंस इज द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज एक्स, और यूजुअली डिनोटेड एज एक्स बार I is equal to 1 to n summation। This is the sign of summation। Summation means sum of the all figures xi, where I is equal to 1 to n, where whenever I is equal to 1 then it become x1, whenever I is equal to 2 it become x2, whenever I is equal to 3 it become xn, x3, dot dot dot, when I is equal to n then it become xn, and summation means sum of all data, and value is from I is equal to 1 to n, so number of value will be n then divided by n. If this process is completed then we have calculated the mean of that particular data. Merits of mean: it is easy to understand and easy to calculate. Measure mean ko hum bahut aasani se समझ सकते हैं और आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे ये डिपेंड करता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन इससे छूट नहीं सकता है, कोई भी डेटा। इट इज़ फैमिलियर टू कॉमन मैन एंड रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइंड होता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इट इज़ अफेक्टेड बाई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, हेंस इट इज़ मोर स्टेबल। Demerits of mean is it cannot be determined by inspection। सारे data आपके समक्ष रखे हुए हैं, उन data को आप inspect करके देख के observe करके आप इसको find नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसको आप calculate नहीं करें। So it cannot be determined by the inspection। Arithmetic mean cannot be used if we are dealing with qualitative characteristics which cannot be measured qualitatively, लाइक कास्ट, रिलीजन, सेक्स। कहने का आशा ये है इसमें ये मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटी के बारे में ये कुछ नहीं कहता है। क्वालिटेटिवली हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, ये केवल क्वांटिटी का मेजरमेंट है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेंड इफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग और लॉस्ट। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन उसमें से अननोन है फिर हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। अर्थमेटिक मीन इज ए वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। इसमें
जो भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक्सट्रीम वैल्यू, जो वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत अधिक है उनके कंपेरेटिवली, या जो वैल्यू बहुत कम है, छोटी और बड़ी वैल्यू इसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि जिस वैल्यू का जितना अधिक वेटेज होगा वो वैल्यू इसकी वैल्यू को बहुत अफेक्ट करती है। इसलिए मीन इज क्लासिफाइड इन टू वेज, अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। व्हेन एवर डाटा इज अनग्रुप्ड, इट मीन्स डाटा इज डिफरेंट और सिंगल्स, डाटा इज नॉट रिपीटेड, दैट इज अनग्रुप्ड डाटा। इफ़ डाटा इज रिपीटेड फ्रिक्वेंटली देन इट इज ग्रुप्ड डाटा। सेम फ्रिक्वेंसी डाटा इज accumulated or collected at one place and its frequency will be f. So if data is repeated then we have used the grouped data and formula become x bar u equal to summation I u equal to 1 to n fi xi. Fi means corresponding frequency of each data. So corresponding frequency and data is multiplied, then it is sigma fi xi upon n. Whenever I is equal to 1, then it become f1 x1, I is equal to 2, then it become f2 x2, and I become 3, then it is fx, f3 x3, dot dot dot, when I is equal to n, then its value will be fn xn. So in grouped data we can measure this by the formula x bar u equal to sigma fi xi upon n. Birth weight of the newborns are, these are the data giving here, or in order to finding the x bar I u equal to 1 to n sigma xi, it means summation of all data, n how many numbers are, how many data are there, divided by there is 10 data, so divided by the sum of these all data is by the 10, we get the average of this data. A survey of 100 families each having 5 children revealed the following distribution: number of male children, number of families. Here number of male children is x, this is another variable, and number of family in the corresponding of every data, it is the frequency of corresponding data. So there is two column, x column and f column. Next one, f into x column, so x is multiplied with f, 0 with 9, 1 with 24, 2 with 35, 3 with 24, 4 with 6 and 5 with 2, and we get the fx column. So summation of fx column is needed in this finding the average. So x bar is equal to sigma fx upon sigma f, and sigma fx will be 200, sigma fx, sum of sigma fx is equal to 200, and total data is 100, n is equal to 100, n is nothing but it is summation of f, summation of frequency is called the n. So here n is equal to 100, and divided by 100 it becomes 2, so this is the average of grouped data. So I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you. Thank you very much. See you again.